प्रेज द लॉर्ड प्रियो। प्रियो जिस तरह से हम देख रहे कई राज्यों के अंदर सताव ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, इसी तरह से प्रियो हम देख रहे कि सुसमाचार भी ज्यादा से ज्यादा फैलता जा रहा है। जिस तरह से प्रियो हम पहली कलीसिया को देखते कि वहां पर सताव आया, और सताव आने के बाद हम देखते कि और भी ज्यादा और भी कई गाँव में यीशु मसीह का सुसमाचार बड़ा था। जितना मसीह लोगों को सताएंगे इतना ही यीशु मसीह का सुसमाचार बढ़े। जो लोग सताते उनके लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत। प्रियो में आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एक भाई है जो कि सुसमाचार बांटते हुए हमको नजर आते हैं, और प्रियो वहां पर एक स्पीकर लेकर और कई सारे लोग सुनते हुए हमको नजर आते हैं। प्रियो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए संसार में, देखिए इस संसार में इंसान क्या नहीं करता, हर एक चीज के पीछे भाग रहे, हर एक चीज, हर एक सुख, हर एक शांति। क्या आप लोगों को सुख और शांति मिला? नहीं मिला। भले आज आप लोगों के पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, इस ये सब होने के बाद भी, लेकिन इंसान के मन में शांति कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को इसीलिए बनाया कि परमेश्वर का शांति जब आपके हृदय में आएगा, तब आप वो शांति को महसूस करेंगे। आप इस संसार के चीजों से अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे तो कभी शांत नहीं होंगे। ये संसार में शांति की तलाश में इंसान क्या नहीं करता, ये संसार में इंसान शांति की तलाश में हर एक तरह का पाप करता है, दारू पीता है, झूठ बोलता है। मेरा घर में परेशानी है इसलिए आज मैं जाकर दारू पीऊंगा, उससे मेरा परेशानी चला जाएगा। क्या वो परेशानी जाता है? नहीं जाता है। वो परेशानी नहीं जाता है, बस दो तीन घंटा के लिए आप उसे भूल जाते हैं, कल वो फिर से ही परेशानी आएगा। लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, अनंत काल का शांति जो कभी खत्म नहीं होगा।